भैया ये योगी जी की सरकार है, आने के पहले कह रही थी जीरो टॉलरेंस होगा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। यही उत्तर प्रदेश है कि एक एक व्यक्ति को 150 में 147 नंबर मिल जाते हैं। कुछ विशेष परिवार है जो प्रयागराज में रहता है, एक एक गोरख सिंह का परिवार है, एक सिंह साहब का परिवार है, एक तिवारी जी का परिवार है, जिनके यहाँ पे 150 में से 147 नंबर मिलते हैं, 144 नंबर मिलते हैं, किसी को 142 नंबर मिलते हैं। और उनसे पूछा जाता है किसी एक लड़के से उनमें से कि भैया आपको 145 नंबर मिले हैं 150 में, राष्ट्रपति का नाम बता दो, तो उत्तर देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। और उनको मार्क्स कितने मिल रहे हैं 150 में से 145। 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके दलालियां चल रही हैं भर्ती करने की। इससे बुरा हाल उत्तर प्रदेश का कभी नहीं हुआ कि जिस तरह से विशेष परिवार के लोग हावी हो जा रहे हैं और दलाली करके 10-10, 15-15 लाख रुपए में बिक जा रही हैं सीटें। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। यही उत्तम प्रदेश बनाने की बात की थी। और किसी की भर्ती 55 साल में हो रही है, किसी की 57 साल में हो रही है, किसी की 52 साल में हो रही है, जिसको नौकरी मात्र 3-4 साल करनी है, और नए लड़के बेचारे बैठे हैं घरों में। ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो सकती। जो मुख्यमंत्री इतनी लंबी लंबी बातें क्या करते थे, आज वो धरातल पे सुन है, और इनकी जो टीम 11 है वो किसी काम की नहीं है, वो उत्तर प्रदेश को धरातल में ले जा रही है। तो जैसे शिक्षा मंत्री ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब मुद्दों से, मतलब प्रदेश सरकार इस कोरोना काल में लोगों को नौकरियां दे रही है और विपक्ष इस पर बार बार सवाल उठा रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 24 ऐसी नौकरियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में जो आप भर्ती नहीं कर पा रहे हो, सब लंबित पड़ी हुई हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। 2018 में BDO की आपने भर्ती निकाली थी जो अभी तक नहीं हुई, आपने 2018 में LT ग्रेड की जो टीचर्स की भर्ती निकाली थी वो अभी तक नहीं हुई, और आपके जो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा छुट्टी पे रहते हैं, उनके ऊपर ऐसा सवार है कोरोना काल में कि 2 दिन आते हैं महीने भर छुट्टी, फिर 3 दिन आते हैं महीने भर छुट्टी। तो मुझे लगता है उनको उत्तर प्रदेश का छुट्टी आयोग का अध्यक्ष बना देना चाहिए। सर आज अखिलेश जी ने भी ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जो वर्चुअल रैली पहले बिहार में हुई थी अब बंगाल तक वो रैली पहुंच गई है, और बार बार सरकार उसको कह रही है कि उसका किसी भी चुनावी उससे ताल्लुक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की शर्म आनी चाहिए कि पूरा देश जहां कोरोना काल में जूझ रहा है इस बीमारी से, लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है, मिडिल क्लास पूरी तरह टूट गया है, गरीब बेचारा गांव में परेशान है, और आप वर्चुअल रैली में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, LED पे LED लगा रहे हैं, हजारों हजारों LED लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है ये कहाँ से आ रहा है पैसा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि गरीब की मदद करने की ज़रूरत है, अभी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन की रैली आप कर रहे हो। सत्ता पाने के लिए आपको ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि देश किस काल से गुजर रहा है। कम से कम सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके अंदर थोड़ी मानवता होनी चाहिए, संवेदनाएं होनी चाहिए, थोड़ी इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत धर्म की बात करनी चाहिए, तभी जाके ये देश संभल पाएगा। सर लगातार देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हर प्रदेश में काफ़ी बढ़ गए हैं। बाद दिल्ली सरकार का पहले ये कहना कि वो खाली, वहाँ के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए सरकारी अस्पताल रहेंगे, बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि नहीं वो सबके लिए है, इसको किस तरीके से देखिए, जो दिल्ली है दिल्ली सबकी है, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पे जो एम्स हॉस्पिटल है या रामलोलोया हॉस्पिटल है या सफदरजंग है, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे पूरे देश के लोग इलाज कराने जाते हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छा इलाज पाया जाता है, इसलिए लोग कहते हैं एम्स में इलाज करा रहे हैं क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स अच्छे हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, दिल्ली में भी ज़्यादातर सब लोग बाहर के ही हैं, जो आज दिल्ली में चीफ मिनिस्टर हैं या दिल्ली में जो मंत्री हैं या दिल्ली में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और जो मंत्री हैं दिल्ली के अंदर में, सब बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं या कोई बिहार का है, दिल्ली का कोई नहीं है। कोरोना के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त दिया है सरकारों को कि जो भी श्रमिक या प्रवासी हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए 15 दिन के अंदर। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दिनों से कह रहा है, अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, लेकिन क्या सरकार आंख बंद कर सोती है? सरकार तो जनता के भले ही वोट मांगती है, सरकार तो कहती है हम आएंगे जनता को सुविधाएं देंगे, और जनता लाखों लाखों जनता रोड पे हजारों किलोमीटर चली, ना जाने कितनों की मौत हो गई। क्या सरकार को इस बात की शर्म नहीं है कि क्या सरकार की 19,000 ट्रेनें खड़ी रही और मजदूर पैदल चल चल के मरता रहा? तो मुझे लगता है ये तो सरकार के संवेदनाएं होनी चाहिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये सरकार को सोचना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है उसके बाद सरकार जगती है, तो मुझे लगता है ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है।